खुलासा न्यूज के संपादक जितेंद्र तिवारी का एक मामला है ग्राम पंचायत बेलवा पदुम का। इनके घर के बगल जो की व्यक्तिगत नाली बनी है उसमें लोग जल निकासी करवाना चाहते हैं। अच्छा, जबकि जितेंद्र तिवारी का कहना है कि गांव का आम लोगों का पानी निकलने के लिए सार्वजनिक रास्ते पे नाली निर्माण होना चाहिए, जिस संबंध में तमाम अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया, ट्वीट किया गया उनके द्वारा। इसके बाद में चौकी इंचार्ज खुटेहना महोदय मौके पर गए और ग्राम प्रधान ने पहुंच करके सार्वजनिक रास्ते पर नाली निर्माण हेतु खड़ंजा खुदवाना शुरू किया। जब तक पुलिस थी तब तक दबंगों ने कुछ नहीं कहा। जब पुलिस मौके से वापस चली आई तो दबंगों ने जो है काम बंद करवा दिया, कहा कि अगर हम लोगों का पानी जाएगा तो जितेंद्र तिवारी के व्यक्तिगत नाली में जाएगा। जिस मामले को लेकर के जितेंद्र तिवारी द्वारा थाना पंचायत में प्रार्थना पत्र दिया गया, वहां पर कोई कार्यवाही नहीं, जिसकी वजह से विपक्षी गण दबंग है। उन्होंने जो चौकी इंचार्ज और ग्राम प्रधान ने खड़ंजा खुदवाया था नाली ने, वो उसको भी पार दिया। जिस संबंध में जितेंद्र तिवारी ने आपको भी ज्ञापन दिया है, उनका कहना है कि अगर समस्या का निस्तारण नहीं हुआ, कोई सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं गया, तो मैं 30 तारीख से उप जिलाधिकारी कार्यालय प्रयागपुर पे आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। जिस संबंध में बताइए महोदय, आपका क्या कहना है, आप इस समस्याओं का समाधान कैसे करवाएंगे, आमरण अनशन के पहले करवाएंगे या उसके बाद करवाएंगे, कुछ आप बताएं जी। जी आबादी से संबंधित है जी, इसमें हमारे राजस्व से जाएगी जी, और अगर पूरे से नाली निकासी वहाँ से जी, तो आमरण अंतर बैठने के पहले निशान हो जाएगा, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी थाना समाधान जो आप बता रहे हैं, गए थे इनका जो है प्रार्थना पत्र मिला है आपको? आपने थाना समाधान दिवस में एप्लीकेशन दिया था कि ऐसे बस मौके करके चले गए? नहीं नहीं, प्रार्थना पत्र दिया था, उसकी कॉपी है, लेकिन उसमें 7 दिन 14 दिन का टाइम रहता है। जी आप सिस्टम पे विश्वास रखिए, आपके खुद सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, प्रॉपर वे में डिस्पोजल हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा, अपनी बात रखिए, ठीक है, बाकी जो है जो भी प्रशासनिक ये है, ठीक है, उन लोगों पर छोड़ दीजिए, अगर आपको प्रशासन में विश्वास है तो जरूर काम होगा। महोदय सरकारी खड़ंजे पे उसने खंभा गाड़ करके और इसके बाद में जो है कब्जा कर लिया है, और इसके बाद में वहाँ मौके पे चलेंगे। अच्छा जी, जो भी कहेंगे अवैध निर्माण है, ये है, वो है, सब दिखवा लेंगे, सीमांकन करा लिया जाएगा, अगर उनका अवैध निर्माण होगा तो यथोचित कार्रवाई होगी। बस ठीक, धन्यवाद।